नवनिर्वाचित सांसद तबस्सुम हसन के नाम फर्जी पोस्ट सोशल साइट पर वायरल होने से जिले में हड़कंप मच गया। मैसेज में लिखा अल्लाह की जीत और राम की हार। सांसद के प्रतिनिधि ने एसपी को तहरीर देकर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला जनपद शामली का है, जहां कैराना उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन की जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ, जिसमें नव निर्वाचित सांसद तबस्सुम हसन का फोटो लगा है और नीचे लिखा है कि ये अल्लाह की जीत और राम की हार है। सांसद का फोटो बीच में लगाकर मैसेज लिखा गया। इसमें कहा गया कि कैराना में 5 लाख मुस्लिम वोटरों ने 12 लाख हिंदुओं को हरा दिया, इसे कहते हैं एकजुटता। इसके नीचे सांसद का नाम व RLD कैराना और अब बोलो सेकुलर दलालो लिखा गया है। मैसेज वायरल होने से जनपद में सनसनी फैल गई। सांसद के प्रतिनिधि मनोज राणा ने SP तहरीर देकर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं ASP शामली का कहना है कि सर्विलांस टीम को जांच कर संबंधित थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। ये तो है, इन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं हमारे। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी धर्म को हम कोई बुरी बात कहें। हमारे तो धर्म में ये गलत समझा जाता है कि किसी दूसरे धर्म को कोई गाली दे या किसी दूसरे धर्म के बारे में बुरा कहे। मतलब मानसिकता के लोग हैं, आगे ये और क्या कर सकते हैं। जब भी उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ी ऐसी ताकतों को, तो जो है इसी तरह से आगे 2019 का रास्ता बनाएंगे। और ये कहीं भी, मेरा तो कहीं भी कोई कह ही नहीं सकता कि इस तरह की कोई सच्चाई है। मेरा परिवार का कोई आदमी इस तरह की कोई हरकत कर सकता और मैं खुद नहीं कर सकती। एक मैसेज वायरल हुआ जो तबस्सुम हसन जी के नाम से मैसेज हुआ, जो अभी अभी नवनिर्वाचित सांसद हुई है, उसमें जो है मैसेज में लिखा गया है कि ये अल्लाह की जीत और राम की हार है, जबकि उनकी तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया गया। उसी के संबंध में मैं अभी शामली कोतवाली में जो है SP शामली से मिला हूँ, और जिन लोगों ने भी ये फर्जी तरीके से जो है इस तरह का मैसेज वायरल किया है, उनके खिलाफ कठोरात्मक कार्रवाई करने की मांग है। कौन लोग हैं ये लोग? विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसी जानकारी मिली है कि ये लोग विश्व हिंदू परिषद और IT सेल से जुड़े हुए लोग। तो आपको लगता है कि जो विपक्ष की कहीं ना कहीं ये साजिश है या कोई शरारती तत्व इसमें था? नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए ये जो महागठबंधन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है, और वो इस तरह की साजिश करके वो चाहता है कि हम लोग जो है 2019 में जो है फतेह हासिल कर लें, जबकि वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो साजिश इस प्रकार की चली है, हमारे यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया जाता है, और वो जीता जागता सबूत आप लोगों के सामने है कि हमारे पे जो है बहुत भारी तादाद में जो है हिंदू वोट मिला है हमको, जाट बिरादरी का वोट हमको मिला है, दलित वोट हमको मिला है, और सभी बिरादरी का 36 बिरादरी का वोट हमें मिला है। तभी हम लोग क्या आश्वासन दिया आपको SP सामने? SP साहब ने कहा है कि मैं इसमें जांच करा कर जो है मैं कार्रवाई करूँगा। ये एक प्रकरण है जिसमें कि सांसद जी के प्रतिनिधि ने यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ ऐसे मैसेजेस फ्लैश किए जा रहे हैं जो कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। इस संबंध में हमने अपने जो सर्विलांस सेल है उसको जाँच के लिए ये प्रकरण दे दिया है। जाँच से जो भी लोग सामने आएंगे जिनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके विरुद्ध हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है।